अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज फिर हाजिर हूँ अपने शशको के साथ जी, और नई लुक के साथ भी, छोटे बाल और फंकी हेयर। ये मेरे यहाँ पे तरह पर्पल हेयर्स मैंने करवा ली हैं, जो नज़र नहीं आ रहे होंगे लाइट की वजह से, लेकिन पर्पल कलर्स हैं। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जल्दी से जाओ व्लॉग देखो मेरा कि क्या व्लॉग आया है। इसी तरह ही अभी कोशिश कर रही हूँ अपनी रूटीन पर वापस आने के लिए कि डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लूँ। हिम्मत बन गई है तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करते हैं, थोड़े से स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह डेली भी आता जाएगा। तो व्लॉग देख लो अपना यार, प्लीज़ प्लीज़ व्यू जो नहीं दे रहे हो ना आप, जल्दी से दो मुझे। चलो तो व्लॉग देखो आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आगे देखते रहो। चलो साथ साथ शाम में ऑर्डर डिसाइड करते हुए नहीं लग रहे, चुम्मू नहीं लग रहे, प्याने लग रहे ना भाई, प्याने लग रहे हैं ना। तो सब में पाया मुझे खानदान के साथ। हम लोग यहाँ पे फूड का इंतजार कर रहे हैं और आर यू हंग्री। तो हम लोग जो है हमने ऑर्डर दे दिया बच्चों की पसंद को, और हमारा शाम में कॉलेज यही डिसाइड किया कि जो बच्चे खाएंगे। मुझे फिर से बाल देखने, मुझे फिर से बाल देखने। फूड आती है और हम आपको उसका रिव्यू बताते हैं। मेन्यू में क्या ढूंढा है, एक एक क्या ढूंढा है, एक मिस्टेक ढूँढी है। अब आप लोग बताइएगा क्या मिस्टेक है। हाँ, वो असल में थोड़ा राइटिंग, वो प्रिंटिंग इशू हो जाता है, तो वो क्या, और हमदान ने ये चीज़ ढूंढी। इतने और से कौन पढ़ता है बताओ, ये मेरा बच्चा पढ़ता है। तो ये इनका बर्थडे एरिया है, यहाँ पे आप लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इनके इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत इंटीरियर है इनका। तो आप लोग यहाँ आके अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं और फैमिली के साथ डिनर वगैरह भी कर सकते हैं। तो इंटीरियर बहुत खूबसूरत है इनका। अभी हम लोग खाना आएगा तो फिर हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जो मंगवाया था वो आ गया है बच्चों की फरमाइश पे। आज शाम को मुझे नहीं खाना था लेकिन बच्चों को खाना था, तो हमने मंगवा लिया। अब हम टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसा है। कैसा है, कैसा है? अच्छा, कैसा है? अच्छा है। अरुष, अरुष अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही है और मेरा भी यहाँ रखा हुआ है, तो अभी हम खाते हैं और बताते हैं। और हमदान बताओ ना यार प्लीज़, बहुत अच्छा है। चलो 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 भाई, चलो चलो भाई खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। तो खा पी लिया और ये अच्छा अरुष को टॉर्चर करते हुए, क्योंकि अरुष का रह गया, हम सब ने खा पी लिया और हमदान अपना फिनिश कर चुका है तकरीबन। भाई शाम जब भी खा लेते हैं ना तो फिर उसके बाद उनका होता है कि अब सब खा लें जल्दी से। है अरुष, तुम्हें बाबा तंग कर रहे हैं ना आपको। ये इनका बाहर का एरिया है, बाहर भी इनका सिटिंग एरिया है अच्छा सा।
अभी लाइट चली गई है और ये हमारा सामने जाम छोरो वाला जो रोड है मेन, ये उसी रोड पर है। और इनके यहाँ लाइव बारबेक्यू बाहर बन रहा है और ये इनका बाहर का सिटिंग है, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई मज़ा आया। तो आज हमने जो है मैनोरेट शाम ने हमें तो कुछ खाना पीना नहीं था, लेकिन बच्चों को खाना था तो हम लोग वहाँ गए थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। और ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये ज़रा स्पीड ब्रेकर्स हैं जिनकी आवाज़ आ रही है आपको। तो खैर मज़े का था, इंटीरियर बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था। हम जाते हम दबलूंगी मैं, और मैं इसका एड्रेस बता दूँ आप लोगों को, ये जाम शोरो मेन रोड पर ही है, मतलब इसके बराबर में पराठा कड़क है, उसी के बराबर में ये है। आप लोग जाम शोरो की तरफ जाएंगे तो ये आपको बिल्कुल मेन रोड पे ही दिखेगा, ठीक है। तो साथ रहें और हम अमदान को इग्नोर करें, आज अमदान को पता नहीं क्या हुआ है।